हेलो एवरी वन वेलकम टू सी यू डी एट सेवन माई अमन एम योर अकाउंट्स मेंटर तो आज हम बात करने वाले हैं सी यू डी दो हज़ार चौबीस के अकाउंटेंसी की जो आंसर की आई है उसके अंदर जो क्वेश्चन आप जिसके लिए ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो आंसर की को चैलेंज कर सकते हो वो कौन से क्वेश्चन हैं ठीक है तो बच्चे हमारे साथ जुड़े बच्चों ने हमें बोला कि सर ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो उस डाटा के बेस पर जो बच्चों ने हमें अपने ऑब्जेक्शन दिए हैं जिस पर वो चैलेंज करना चाहते हैं जो जानना चाहते हैं कि सर क्या हम सही हैं या एन टी ए सही है तो वो क्वेश्चंस में लेकर आया हूं कई जगह बच्चे भी गलत थे लेकिन हाँ कुछ जगहों पर एनटीए की तरफ से भी मुझे लगा के ये क्वेश्चन सही नहीं होना चाहिए एंड एनटीए किसको मानता है एनटीए बोलता है कि एनसीआर को रेफरेंस मान करके हम आगे चेक करते हैं तो मैं एनसीआरटी के प्रूफ के साथ आपके सामने आया कि एनसीआर में क्या गेवन है तो बिल्कुल आप उन क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं उस आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं उस क्वेश्चन के लिए ठीक है तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो जहां पर मैंने देखा कि स्टूडेंट सही था और एनटीए ने जो आंसर की मैं आंसर बता रखा वो थोड़ा सा गलत हो गया ठीक है तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आया और सेट कोई सा भी हो सकता है क्वेश्चन आगे पीछे करके शफल करके लेकिन हर सेट के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा ठीक है तो क्वेश्चन क्या है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पे ट्रांसफर किया जाता है जब डिसोल्यूशन होता है ठीक है अब बच्चे ने थोड़ा सा जो मुझे फोटो भेजी है भाई उसमें तो आप क्वेश्चन नंबर थोड़ा क्रॉप है हो सकता है आप अपनी आंसर की में चेक कर लेना शायद आपकी आंसर ठीक आंसर की ठीक हो वैसे ऐसा होगा नहीं अगर गलत है तो सबके लिए ही गलती हुई होगी एनटीए की तरफ से ठीक है तो डिजोल्यूशन के टाइम पर बैंक ओवर ड्राफ्ट कहां पर ट्रांसफर होता है ऑप्शन नंबर वन बैंक अकाउंट ऑप्शन नंबर टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑप्शन नंबर थ्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ऑप्शन नंबर फोर पार्टनर्स लोन अकाउंट ठीक है और बच्चे यहां पे कंफ्यूज होंगे भी और ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लासेस में बहुत बार कराया है तो बच्चे कंफ्यूज होते भी हैं तो किसमें होते हैं या तो बैंक अकाउंट आंसर होगा या फिर रियलाइजेशन अकाउंट आंसर होगा ठीक है और मैं बच्चों को क्या बताता हूं कि बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी है ठीक है और ये एक थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है ठीक है बैंक क्या है हमारे लिए थर्ड पार्टी ही तो है और जो भी थर्ड पार्टी होता है वो रियलाइजेशन में जाता है जो भी थर्ड पार्टी होती है, वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में भेजते हैं तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर टू होना चाहिए लेकिन एनटीए ने जो बच्चे ने बताया कि आंसर की में उसको क्या दिखाई दे रहा है बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है तो आप भी एक बार चेक कर लीजिए कि क्या आपकी आंसर की में एनटीए ने आपको बोला कि बैंक अकाउंट आंसर सही होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए नहीं इसका सही ऑप्शन रियलाइजेशन अकाउंट ही होना चाहिए मैंने कहा ठीक है कोई मेरी शायद शायद अप्रोच अप्रोच अलग अलग हो हो बच्चे की अलग हो, एक बार देखते हैं जो NTA भी जिसके जिस पर विश्वास करता है तो एनसीआर में हमने गए हमने उसका स्क्रीन निकाला और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा ठीक है और यहाँ पे मैंने स्पेशली इसको हाईलाइट कर रखा है यहां पर आपको दिखाई है बैंक ओवरड्राफ्ट ठीक है बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन के ठीक है थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं ठीक है बेटा बेटा ये ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट है ठीक है और आपको दिख भी रहा है वॉटरमार्क एनसीआरटी का नहीं दिख रहा तो थो थो थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा है लेकिन एनसीआर में आप चेक करोगे तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट का जो फॉर्मेट दे रखा है वहां पे आपको साफ साफ बताएगा बैंक ओवरड्राफ्ट यहां पे आएगा ठीक है तो रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर होता है डियर एन टी ए तो कमेंट सेक्शन में भी भाई आप लिख देना हैशटेग डीएर एन टी ए प्लीज लिसन है, है ना चलिए तो आई होप बात समझ में आ गई अगला क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है वो क्या है वो भी देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन क्या बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन इज अ सिचुएशन ये एक सिचुएशन है वेयर द वेयर द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेयर इशूड कि जहां पर नंबर ऑफ शेयर इशू जितने हमने कंपनी ने इशू करे हैं और जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों इक्वल हैं तो बेटा ये तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है फुल सब्सक्रिप्शन का केस है तो इसको ओवर सब्सक्रिप्शन तो नहीं बोल सकते नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड कि जो अप्लाई कर रहे हैं लोग यानी एप्लीकेशन शेयर के ज्यादा हैं और कंपनी ने कम इशू करे हैं फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने एक लाख शेयर इशू करे हैं लेकिन पब्लिक वन के लिए अप्लाई कर चुकी है तो यहां पर इसको बोलेंगे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है इसी को ओवर सब्सक्रिप्शन हम बोलते हैं लेकिन आगे देखो क्या लिखा नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड जो है वो कम है यानी पब्लिक ने कंपनी ने एक लाख अगर शेयर इशू करे हैं तो पब्लिक ने नब्बे हजार के लिए एप्लीकेशन दी है तो ये तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो, तो सब्सक्रिप्शन होता ओवर नहीं और यहां पे कह रहे हैं फोर्थ ऑप्शन में फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज लेस देन द इशू प्राइस बेटा यहां पे फेस वैल्यू और इशू प्राइस का को तो कोई खेल होता ही नहीं है ठीक है तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा सेकेंड ऑप्शन आपका सही आंसर होना चाहिए लेकिन एनटीए ने चुना है किसको बेटा थर्ड ऑप्शन को चुना है कह रहे हैं कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड ठीक है तो आई डोंट नो कैसे ये गलती हो गई लेकिन ये ऑप्शन नहीं हो सकता एन टी ए कहता थर्ड ऑप्शन हम कहते हैं सेकेंड ऑप्शन अब प्रूफ की बात कर लेते हैं तो फिर हम गए एनसीआरटी के पास हमने कहा एनसीआरटी एनसीआरटी बताओ भाई क्या करें इस दुविधा की घड़ी में ठीक है तो एनसीआरटी ने हमें ओवर सब्सक्रिप्शन मैंने यहां पे हाईलाइट कर दिया है भाई ओवर सब्सक्रिप्शन पेज नंबर ट्वेंटी फोर पर चले जाना बेटा ठीक है कंपनी अकाउंट एंड एनालिसिस ऑफ़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक में आपका जो एनसीआर है, है तो देर आर इंस्टेंसेज वेन एप्लीकेशन फॉर मोर शेयर ऑफ अ कंपनी आर रिसीव्ड देन द नंबर ऑफ ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन दिस यूजअली है इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर इशू ऑफ वेल मैनेज एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉ कंपनीज एंड इज सेट टू बी अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन तो कहने का मतलब क्या है यहां पर कह रहे हैं के? यहां पर क्या कह रहे हैं एप्लीकेशन फॉर मोर शेयर क्या हम एप्लीकेशन देखते हैं कि लोगों ने ज्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन मांगी है ठीक है देन द नंबर ऑफ नंबर ऑफर्ड ऑफ द पब्लिक तो द पब्लिक है ना कि जो पब्लिक को हमने ऑफर किया था यानी इशू किया था इसको बोलते हैं इशूड ऑफर को मतलब इशूड और एप्लीकेशन यानी जो अप्लाई कर दिया तो बेटा आपकी एनसीईआरटी आपके साथ है तो आप इन दो क्वेश्चन को तो आसानी से चैलेंज कर सकते हैं ठीक आपको आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा बेटा पूरे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि आप क्वेश्चन को जो चैलेंज कर रहे हैं यानी जो आ, एनटीए की आंसर की है उसको चैलेंज कर रहे हैं तो उसके प्रूफ में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी होगी और वो एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी ठीक है पिछले क्वेश्चन की भी बात अगर मैं करूँ इससे पिछले क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं तो यहां पे भी आपको पता चल रहा है कि यहां पे आपको मैंने क्या बताया बेटा थर्ड पार्टी ठीक है तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी है जो कि थर्ड पार्टी है तो आप वो चीज़ें लिख सकते हैं बता सकते हैं और एनसीआरटी का भी रेफरेंस दे सकते हैं एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी तो सभी बच्चों के साथ इस भाई इस समय भाई मदद की जरूरत है तो हर बच्चे के साथ शेयर जरूर करो और बाकी बेटा टेंशन मत लो अड्डा टी आपके साथ है ठीक है और ये बात ध्यान रखना सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को ताकि आगे भी चीज़ें आपके लिए होती जा रही हैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आने हैं आंसर की को चैलेंज करने के लिए आज तक आज पाँच बजे तक का टाइम है तो भाई जुड़े रहो पढ़ते रहो ठीक है पढ़ाई तो खैर हो चुकी है लेकिन हिम्मत रखो अभी आपका आप कॉलेज आपको मिलेगा ठीक है बस ये दो क्वेश्चन है इसको चैलेंज करो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे ठीक है ऑल दी बेस्ट बाय बाय टेक एन एंड कीप ग्रोइंग